हेलो स्टूडेंट्स, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की एक और नई सीरीज में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें अंदर हमने जो है मतदाता फोटो पहचान पत्र, चुनाव सुधार संबंधी समितियों के बारे में जो है अध्ययन किया था। अब इस लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मैं जो जो बताऊंगा वो आपके सामने नोट्स में लिखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1980 में इसका जो है आविष्कार हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? MB हनीफा के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका जो आविष्कार है सन 1980 में जो है MB हनीफा के द्वारा किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सन 1989, ये 84 नहीं है, ये 89 है, 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने की जो है शुरुआत की थी। सर्वप्रथम जो प्रयोग है इस वोटिंग मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है हुआ था, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग हुआ था सन 1998 में, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। द्वितीय बार जो इसका प्रयोग हुआ था वो हुआ था सन 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव के अंदर। अगले बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। 2004 में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त हुई थी ये। पहले तो विधानसभा के चुनाव में होती रही, फिर पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए 2004 में, तो सबसे पहले इसका जो है तब यूज हुआ था ईवीएम का लोकसभा के चुनाव में। यह मशीन बैटरी से चलती है, ये भी एक जो है ध्यातव्य बिंदु है कि यह मशीन बैटरी से चलती है, ना कि बिजली से। यानी कि अगर बाई चांस बिजली का कट भी लग जाता है तो भी मशीन अपना जो है काम करती रहेगी, वोटिंग की जो है प्रक्रिया रुकेगी नहीं, कहीं भी बाधित नहीं होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोटा के बारे में। नोटा जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नन ऑफ द अबव। मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का विकल्प प्रदान करता है। यदि मान लो किसी मतदाता को जो है चुनाव में खड़े हुए कोई भी उम्मीदवार जो है उचित नहीं लगता है, तो वह किसी को भी वोट नहीं देना चाहता है, तो वह मतदाता अब तो वह नोटा पर जो है क्लिक कर सकता है। इससे राजनीतिक दलों पर अच्छी छवि के उम्मीदवार को खड़ा करने का नैतिक दबाव बनता है। जितने भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर एक जो है नैतिक दबाव बनता है कि वह अपनी पार्टी की तरफ से जो है एक अच्छी छवि के जो है उम्मीदवार कैंडिडेट को जो है चुनाव के लिए जो है खड़ा करें। निर्वाचन आयोग ने 2014 के इस लोकसभा चुनाव में नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नोटा का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है नोटा का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग हुआ था। तो नेक्स्ट बिंदु है इसके अंदर, यदि नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त हो तो चुनाव देखो कैंसिल नहीं होता, अर्थात जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही विजयी हो गए। मान लो कि कोई केस ऐसा है कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, तो ऐसे में ये नहीं होगा कि चुनाव ही कैंसिल हो जाएगा, नहीं, चुनाव के अंदर जो बाकी कैंडिडेट्स में से जिसको भी ज्यादा मत मिले हैं वह विजयी घोषित होगा। तो इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए। आई होप कि आपको जो है वीडियो लेक्चर जो है पसंद आ रहे होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। हम आपके रिस्पॉन्स की जो है कदर करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट के लिए जो है आप ये देख लीजिए। और यदि किसी भी प्रकार का जो है आपको डाउट फेस होता है तो आप प्लीज कमेंट्स में जो है डाल दीजिए। प्लीज अच्छा है, बुरा है, कैसा लेक्चर रहा, प्लीज अपने जो है व्यूज को जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।